नमस्कार, सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स इन अवर CIET's लाइव इंटरेक्टिव सेशन। आप सभी का स्वागत है CIET NCERT के इस लाइव सत्र में। ये कार्यक्रम योग पर आधारित है और कार्यक्रम का नाम है योग शक्ति। ये कार्यक्रम आप देखते हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के माध्यम से। आप हमें देख रहे हैं PM विद्या चैनल नंबर 6 से 12 तक और इसके अलावा हमारे आधिकारिक यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल के माध्यम से। इस कार्यक्रम में एक विषय रहता है जिससे जुड़ी हम योग क्रियाएं आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सोमवार से शनिवार तक, रोज़ाना सुबह 8 से 8:45 तक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी आप रात्रि को देखते हैं 8 से 8:45 तक और इसके अलावा यूट्यूब पर तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं। अगर विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न को लेकर भी आप हमसे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अपना प्रश्न हमें लिख भेजिए, हमारी मेल आईडी है mdniy@yahoo.co.in। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं 8800440559 पर। मैं सृजन राजपूत और मेरे साथ आज की अतिथि आप हैं सुनीला प्रधान, सीनियर रिसर्च फेलो एम्स से। मैम नमस्कार। इन सभी योग क्रियाओं को दर्शाने के लिए हमारे साथ डेमोस्ट्रेटर हैं मिस कोमल वत्स। आप एलुमनाई हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। आपका भी स्वागत है मैम। हमारा आज का विषय है योगा फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी हाँ, हम सभी जगते तो हैं सुबह, लेकिन उसके लिए रात को एक बेहतर नींद लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आप योग के माध्यम से, किन योग क्रियाओं के ज़रिए इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, यही हम इन क्रियाओं के माध्यम से जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या मैम। जी जी, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा योगा फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो पहले जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। स्लीप एपनिया के नाम से आपने काफ़ी बार सुना होगा या फिर आपने ऐसे लोगों को, व्यक्तियों को देखा होगा कि जो सोते समय पे बहुत अधिक खर्राटे लेते हैं और उनके खर्राटों की आवाज़ उनके पार्टनर तक या फिर दूसरे कमरे तक भी सुनाई देती है जी। और जब भी वो सोते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उनका स्नोरिंग करते हैं, वो एक्सेसिव स्नोरिंग करते हैं, बहुत लाउड स्नोर करते हैं और उसके बाद थोड़ा पॉज आ जाता है, फिर दोबारा स्नोर करने लगते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर है, जो कि अनट्रीटेड रहता है। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए उनको लगता है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक चैन की नींद सो रहे हैं उन्हीं को खर्राटे आते हैं ना। जनरली आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी कभी कहा होगा अपने घर में या फिर किसी व्यक्ति को देखा हो कि बहुत ज़्यादा अधिक स्नोर कर रहे हैं, तो वो घोड़े बेचकर सो रहे हैं या फिर बहुत ही चैन की नींद सो रहे हैं, तभी जाके वो स्नोर करते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में ये परेशानी देखने को मिलती है कि बहुत अधिक खर्राटे लेते हैं या फिर खर्राटों में बहुत आवाज़ आती है या फिर 2-3 बार जैसे स्नोर करते हैं और उसके बीच में कुछ पॉज आ जाता है, वो पॉज हो सकता है 10 से 20 सेकेंड या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है, परंतु ये एक परेशानी का विषय बन सकता है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के टाइम पे क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। स्लीप एपनिया को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में, कि सोते समय श्वासों का रुक जाना। और अभी आपको कहा कि वो जो गैप है वो 10 से 20 सेकेंड तक हो सकता है, तो ये 10 से जो 20 सेकेंड का जो समय है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। यदि हम बात करें कि स्लीप एपनिया के दौरान पे होता क्या है, तो जो गैप आया उसके कारण व्यक्ति को किन तरीके की परेशानियों का सामना कर सकते हैं वो, कि उनमें स्ट्रोक की समस्या देखने को मिल सकती है या फिर वो व्यक्ति चोक कर सकता है एकदम से, जब उनको सांस आएगी रुकने के, सांस जब रुक गई उसके बाद जब सांस आई उनको तो एकदम से वो चोक करते हैं, एकदम से उठ जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बार बार वो व्यक्ति रात को उठने लगते हैं, उनको लगता है कि उनका ब्लैडर फुल हो गया है, यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, परंतु वो व्यक्ति को लगता नहीं है कि उनका ब्लैडर फुल है।
तो आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि ब्लैडर फुल ना होने के कारण भी यदि व्यक्ति उठ रहा है तो आप कहीं पे इन सारे सिम्टम्स को नोट करके रखें। आपके पार्टनर यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप ज़रूर इसको नोट करके रखें और आप इस परेशानी को अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। जी, डायग्नोसिस की यदि हम बात करें तो पॉलीसोमनोग्राफी यानी कि स्लीप स्टडी एक होता है, जिसमें कि हम जानते हैं देखते हैं कि स्लीप के क्या क्या स्टेजेस उस व्यक्ति में हो रहे हैं और किस स्टेज में जाकर वो स्नोर करने लगता है। जी जी, एक आगे बढ़ने से पहले, जिससे कि पहले आप क्रियाएं दिखाएं इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए, एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूँगी सुनीला मैम, कि किन व्यक्तियों में ये समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में या फिर उम्र दराज लोगों में? जी, ये परेशानी हम किसी भी एज में देख सकते हैं, परंतु बच्चे और बूढ़े इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। बच्चों में भी आपने देखा होगा कि जब सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है खर्राटों की, या फिर जो व्यक्ति 55 से 60 उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें हम ये परेशानी बहुत अधिक देखते हैं, क्योंकि हम अपने इंडिया में देखिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको जनरली हमने देखा होगा कि सोते समय बहुत खर्राटे लेते हैं। जी जी, तो योग शक्ति कार्यक्रम में विषय मैं एक बार पुनः बता दूं, हम आज योग करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जुड़ी क्रियाओं पर। मैम, शुरू करते हैं। जी, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पद्मासन की स्थिति, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की अवस्था में, आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लें, 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास कर जाएं। ध्यान रहे कि आपका शरीर सीधा होना चाहिए, परंतु शिथिल होकर बैठना है, सजग बैठना है, श्वासों पर पूरी जागरूकता हो। दोनों हाथों को प्रार्थना के लिए वक्षतल के सामने जोड़ लेंगे नमस्कार मुद्रा में। एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार करेंगे ओमकार, तत्पश्चात प्रार्थना। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, हथेलियों का स्पर्श आंखों पर चेहरे पर लगाते हुए सहजता से वापस आएं। शुरुआती क्रिया के अंतर्गत हम करेंगे कपालभाति क्रिया का अभ्यास। दोनों हाथों को इसी पोजीशन में रहने दें, सामने देखते हुए आपको लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए छक छक की आवाज के साथ पेट की मांसपेशियों का संकुचन करना है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आवाज कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए। सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करना है। फीमेल्स खास तौर पर ध्यान रखें कि पीरियड्स के टाइम पे इस अभ्यास को अवॉइड करना है। सीवियर लो बैक पेन है तो इस अभ्यास को अवॉइड करना है, या फिर रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आप इस अभ्यास को विराम दें। ठीक इसी प्रकार एक बार फिर हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए छक छक की आवाज के साथ पेट का संकुचन। धीरे से आंखों को बंद कर लें और पूरा ध्यान नाभि व नाभि के आसपास की मांसपेशियों पर।
पूरी सजगता पेट वाले हिस्से पर रहे। प्रश्वास करते हुए सहज अवस्था में आ जाएं। 2 से 3 बार लंबे गहरे श्वास, प्रश्वास करते हुए अपने पूरे शरीर को शिथिल कर लें। अब धीरे से खड़े हो जाएंगे, चलते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, दोनों हाथ शरीर के बगल रखें। यह स्थिति जो आप अभी देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं समस्थिति। समस्थिति में खड़े होकर सामने की ओर देखते हुए लंबे गहरे श्वास प्रश्वास आपको करना है। पूरा श्वास आप भरते हुए अनुभव करें कि आपका छाती फूल रहा है और छाती पिचक रही है प्रश्वास करते हुए। सात से आठ बार इस अभ्यास को करने के पश्चात धीरे से विश्राम। पुनः इस क्रिया को करेंगे। सामने देखते हुए लंबे गहरे श्वास प्रश्वास कर जाएं। एक आवृत्ति में आप कम से कम 7 से 8 बार श्वास प्रश्वास अवश्य करें और अनुभव करें कि जब आप श्वास भर रहे हैं तो पूरा पूरा श्वास आपके फेफड़ों तक पहुंच रहा है, छाती फूल रही है, शरीर सीधा है, मेरुदंड सीधी है। विश्राम करें। अगला अभ्यास ग्रीवा चालन। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं, थुड़ी को कंठकूप से लगाएं। ग्रीवा चालन के अंतर्गत हम करेंगे गर्दन को घुमाने का अभ्यास। दाहिने ओर से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। जब अर्धचक्र हो जाए तो आप प्रश्वास करते हुए गर्दन को बाईं ओर से नीचे की ओर ले आएं। पुनः इस क्रिया को आप 2 बार और दोहराएं सेम डायरेक्शन में। ध्यान आप इस बात का रखें कि जब आपका गर्दन घूम रहा है तो कंधे ऊपर की तरफ ना उचकें। इसी अभ्यास को अब हम बाईं ओर से दोहराएंगे, यानी बाईं ओर से श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर जाएगा और प्रश्वास करते हुए दाहिने ओर से आपका गर्दन नीचे की ओर आए, गर्दन सामने की ओर ले आए। आराम करें। दोनों पैरों के बीच अंतर देते हुए पूरा शरीर शिथिल। पूरे शरीर के प्रति आपको जागरूक रहना है। शरीर के हर एक अंग में किस प्रकार का सेंसेशन आ रहा है, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस पर आपको माइन्यूटली ध्यान देना है। अगला अभ्यास वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया। दोनों पैरों को मिला के रखें, दोनों हाथ सामने की तरफ ले जाएं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर रहेगा, श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियां कुछ इस प्रकार से कि आपस में जुड़ जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर 2 बार इस अभ्यास को करें। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, जैसे कि हमने जाना कि स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप हमारी डिस्टर्ब होती है इससे, और श्वासों से संबंधित ये परेशानी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी श्वास बेहतर हो सके, लंग कैपेसिटी हमारी इम्प्रूव हो सके, और साथ ही साथ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में हमारे जो थ्रोट होता है उसके आसपास की मांसपेशियों में संकुचन होने लगता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम थ्रोट मसल्स को हम रिलैक्स कर सकें और स्ट्रेंथन कर सकें। कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच कंधों के समान अंतर देकर खड़े होना है, दोनों हाथ सामने की दिशा में चले जाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से अपने शरीर को दाहिने ओर मोड़ें, गर्दन भी साथ ही पीछे जाएगा,
श्वास भरते हुए सामने की ओर, प्रश्वास करते हुए बाईं ओर हाथों को घुमा दें। ध्यान रहे कमर से नीचे का भाग सीधा रहे। इस अभ्यास को आप एक बार और दोहराएं। ध्यान रहे कि जब आप साइड में जा रहे हैं तो प्रश्वास करना है और मध्य में आते हुए श्वास भरना है। हाथ धीरे से नीचे की ओर ले आएं। कुछ देर विश्राम करने के बाद हम अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार यानी जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं, उनका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को मिलाकर अपने मैट के अग्रभाग पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के अगल बगल रहे यानी कि समस्थिति में खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन, दोनों हाथों को वक्षतल के सामने प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। हस्तोत्तान, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, हल्का सा कमर को आगे की ओर धकेलें। पादहस्तासन, हाथों को नीचे की ओर ले जाएं, झुकें नीचे की ओर और दोनों हथेलियों को पंजों के बगल रखें। दाहिना पैर पीछे की ओर ले जाएं, अश्व संचालन। बायां पैर पीछे ले जाएं, पर्वतासन। और अपने नाभि को देखने का प्रयास करें। अष्टांग नमस्कार, घुटने नीचे, छाती नीचे, थुटी जमीन पर। भुजंग आसन, पंजे पीछे करते हुए शरीर को आगे से उठाएं, भुजंग की स्थिति ले लें। पर्वतासन, पंजों को अंदर करते हुए एक बार फिर अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाना है। बायां पैर आगे की ओर, अश्व संचालन आसन। पाद हस्तासन, दाहिने पैर को भी आगे की ओर ले जाएं। हस्तोत्तान, दोनों हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर जाएं। यह स्थिति है हस्तोत्तान आसन की। प्रणाम आसन, दोनों हाथ वक्षतल के सामने। धीरे से समस्थिति में वापस आकर विश्राम करें। अब इसके पश्चात हम शुरुआत करने वाले हैं आसनों की, जिसका आप सभी को इंतजार है। इसके अंतर्गत सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ आसन का। दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, इंटरलॉक करें अपनी उंगलियों को, हथेली बाहर की ओर पलट दें। श्वास भरते हुए हाथ सिर के ऊपर ले जाएं। इस समय पर अपने पूरे शरीर का आपको ध्यान देना है कि आपका पूरा शरीर सीधा रहे, कमर बहुत अधिक आगे की तरफ ना हो, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। श्वास भरते हुए एड़ी को उठाते हुए पंजों के बल आने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस अभ्यास में प्रयास करें कि आप दोनों पैरों को मिलाकर रखें। 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास करने के पश्चात धीरे धीरे एड़ी को नीचे की ओर ले आएं। हथेली को पलटते हुए सिर के ऊपर रख लें एवं आँखों को बंद कर विश्राम करें। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ताड़ासन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो इम्प्रूव करता ही करता है और पूरे शरीर को एक समग्र रूप से यदि हम देखें तो स्ट्रेंथन करता है। एक बार फिर ताड़ासन का अभ्यास। हथेली को सिर के ऊपर ले जाएं, हाथों को पूरा स्ट्रेच करें, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। श्वास भरते हुए एड़ी को ऊपर की ओर उठाएं। 3 से 4 बार श्वास प्रश्वास के पश्चात एड़ी नीचे की ओर, हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएं। त्रिकोण आसन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर ले लें। दोनों हाथ बगल से सीधे कंधों के सीध पर उठा लें। दाहिने पंजे को दाईं ओर मोड़ें, प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर जाएं और अपने हथेली को अपने पंजे के पीछे की ओर रखें। गर्दन घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की ओर देखें। ध्यान रहे कि आपका शरीर आगे की तरफ ना झुके।
श्वास भरते हुए गर्दन सीधा कर लें, हाथ ऊपर ले आएं एवं पंजे को सीधा कर लें। प्रश्वास करते हुए बाएं पंजे को बाईं ओर मोड़ें और झुकें नीचे की ओर। गर्दन घुमाते हुए ऊपर वाले हाथ की हथेली की ओर देखने का प्रयास करना है। यदि आपका हाथ जमीन पर नहीं आ पा रहा है तो आप अपने हाथ को, नीचे वाले हाथ को आप अपने एंकल से भी एंकल को होल्ड कर सकते हैं। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा कर लें, ऊपर की ओर आ जाएं एवं अपने पंजे को सीधा करते हुए दोनों पैरों को मिला लें और हाथ नीचे की ओर ले आएं। अर्ध चक्रासन, दोनों पैरों के बीच एक फीट का अंतर देकर खड़े हो जाएं, यानी कि आपके कंधों के बीच जितना अंतर है उतना ही पैरों के बीच अंतर देकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को रख लें अपने कमर के पीछे कुछ इस प्रकार से कि आपके जो एल्बोज हैं वो एक दूसरे के समानांतर हो जाएं। श्वास भरते हुए छाती को पीछे की ओर ले जाएं, गर्दन सहित और कमर को आगे की ओर धकेलने का आपको पूरा पूरा प्रयास करना है, परंतु सहज भाव से, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना है। श्वास प्रश्वास रोकना नहीं है, सामान्य रूप से आपकी श्वास चलती रहे। प्रश्वास करते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं, विश्राम करें। अब धीरे से बैठकर किए जाने वाले आसनों की ओर चलते हैं। सबसे पहला आसन दंडासन। दोनों हाथ शरीर के बगल रहेंगे नितंब के, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर बैठना है। पंजे भी मिले रहें आपस में, पैर के अंगूठे मिले रहें। पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखों को बंद कर लें और शरीर की स्थिति किस प्रकार से दंड के माफिक हो चली है उस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास कितनी सहज है उसको भी ऑब्जर्व करें। वक्रासन, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें और अपने पंजे को बाएं घुटने के बगल रखें। दाहिना हाथ कमर के पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और प्रश्वास करते हुए दाएं घुटने के बाहर से निकालते हुए पैर को पकड़ लें। गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं। इस स्थिति में आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपका पूरा शरीर एक लाइन पर हो जाए। यदि नहीं हो पा रहा है तो जहां तक भी आप सहज रूप से पहुंच पा रहे हैं वहीं तक आप इसको अभ्यास करें। नियमित रूप से किए जाने से आपके सभी आसन बेहतर हो सकते हैं, इनफैक्ट आपके सभी अभ्यास बेहतर बनेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सामने की ओर ले आएं, हाथ ऊपर की तरफ उठाएं। प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे और पैर को सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार से बाएं ओर से दोहराएं। बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ सिर के ऊपर, प्रश्वास करते हुए घुटने के बाहर से निकालते हुए पैर को पकड़ लेना है और पीछे की ओर देखना है बाईं ओर। बहुत ही सहज रूप से श्वास प्रश्वास करना है। छाती एवं पेट वाले स्थान पर आ रहे आपके प्रभाव को अनुभव करना है और धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ आपको देखना है कि आपको अपने श्वासों को सहज बनाना है। श्वास भरते हुए सामने की ओर हाथ ऊपर उठा लें, प्रश्वास करते हुए हाथ नीचे और पैर को सीधा कर लेंगे। वज्रासन, दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। यहीं से हम करेंगे ऊष्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल आ जाएं, दोनों पैरों के बीच अंतर दें। जितना आपके घुटनों के बीच अंतर रहेगा उतना ही आपके एड़ी और पंजे के बीच रहना चाहिए। दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए ऊष्रासन में 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास करते हुए आसन स्थिति में बने रहें।
ध्यान रहे, आंखें खोलकर रखें, सहज रहना है, कमर वाले भाग को सामने की ओर निरंतर धकेलते रहें और छाती वाले भाग पर आ रहे एक्सपेंशन वाले इफेक्ट को अनुभव कीजिए। प्रश्वास करते हुए सामने की ओर वापस आएं, हाथों को नीचे रखकर वज्रासन में आ जाएं। शशकासन, जो कि उष्ट्रासन का काउंटर पोज है, उसको करेंगे। दोनों पैरों के बीच अंतर दे दें, घुटने दूर दूर कर लें, जितना अधिक ले जा सकते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे पैरों के बीच। लंबा गहरा श्वास भरते हुए अपने पूरे शरीर को खींचे ऊपर की ओर, प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर, सामने की ओर चले जाएं। छाती वाला भाग और थुड्डी जमीन पर आ जाए। यदि आपको लगे कि थुड्डी जमीन पर लगाने के कारण यदि गर्दन में आपको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है या फिर नेक पेन आ रहा है, तो आप अपने माथे को भी जमीन पर रख सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेस रिलीजिंग प्रैक्टिस है ये शशकासन का अभ्यास। स्थिति में जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आ रही है, बहुत ही एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न है, तो आप इस अभ्यास में रिलैक्स थोड़ी देर अवश्य करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे वापस ले आएं। इसी स्थिति में बैठते हुए हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। हथेलियों को अपने शरीर की ओर पलट लें, इस प्रकार से कि उंगलियां आपके शरीर की ओर हो जाए। पूरा हाथ सीधा रहे और लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए मुंह को खोलें और जीभ को पूरा बाहर की ओर निकालने का प्रयास करें, सिंह की तरह। इसीलिए इस अभ्यास का नाम दिया गया सिंहासन। नेक प्रैक्टिस बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के लिए, व्यक्तियों के लिए। श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद कर लें। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार दोहराएं। श्वास हर बार छोड़ते हुए मुंह को खोलें और टंग को पूरा पूरा बाहर की ओर निकालें। आप इस अभ्यास को करते हुए अनुभव करेंगे कि आपके नेक के आसपास की मांसपेशियां, लोअर जॉ के आसपास की मांसपेशियां पूरी तरीके से स्ट्रेच हो रही हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है थ्रोट की मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, जो कि स्लीप एपनिया के ड्यूरिंग नैरो हो जाती है। धीरे से रिलैक्स करें, वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें, दंडासन की स्थिति में पैरों को सामने की ओर ले आएं एवं पीठ के बल लेटकर लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच अंतर, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, दोनों पैरों को अब मिला लें, दोनों हाथ शरीर के बगल, सेतु बंद आसन की ओर चलते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और अपने एड़ियों को नितंब के नजदीक ले आएं। दोनों हाथों से अपने एड़ियों को होल्ड कर लें, थोड़ा सा पैरों के बीच अंतर दें। श्वास भरते हुए कमर वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। दोनों शोल्डर्स पे आपके इक्वल वेट होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे की ओर ले आएं। हाथ ढीले छोड़ दें, पैरों को सीधा कर लें। पूरा शरीर शिथिल, ये सभी अभ्यासों का प्रभाव आपके स्पाइन पर यानी कि मेरुदंड पर पड़ता है। मेरुदंड पर पहुंच रहे प्राण शक्ति, प्राण वायु पर पड़ता है, जिससे कि पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह बढ़ने लगता है। तो आपकी जो भी
परेशानियां हैं, रोग हैं, चाहे वो शारीरिक रूप पर हों या फिर मानसिक रूप पर हों, उनमें आपको उनसे निजात पाने में आपको सहायता मिलती है। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, दोनों हाथ शरीर के बगल, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने शरीर के नज़दीक ले आएं, दोनों हाथों से अपने पैरों को होल्ड कर लें एवं अपने पैरों को छाती के नज़दीक ले जाने का प्रयास करें, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं, सर्वाइकल की परेशानी यदि आपको रखती है तो आप गर्दन ना उठाएं, दोनों पैरों के बीच आपका नाक आ जाए कुछ इस प्रकार से, आपको सर को उठाना है ऊपर की ओर और इस स्थिति में बने रहना है। माना कि इस स्थिति में आपको श्वास प्रश्वास करने में कठिनाई हो सकती है, परंतु आपको नियमित अभ्यास से इस अभ्यास को करना है। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे की ओर ले आए, हाथों को ढीला छोड़ दें एवं पैरों को सीधा कर लीजिए। विश्राम करें। मरकट आसन बहुत ही लाभदायक अभ्यास है, पूरे स्पाइन को एक अच्छा सा निचोड़ देता है ये अभ्यास। दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रख लें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपने घुटनों को दाईं ओर घुमाएं एवं अपने गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बाईं ओर मोड़िए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें और पूरा अनुभव कीजिए कि किस प्रकार से आपके छाती का एक्सपेंशन हो रहा है, आपके पेट की मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ रहा है और साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल और बैक के मसल्स में कैसा ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रहा है। श्वास भरते हुए पैर को सीधा करें और प्रश्वास करते हुए दूसरी ओर पैरों को ले जाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें, श्वासों पर पूरा ध्यान। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर की ओर बीच में वापस ले आएं और पैरों को सीधा कर लें। शवासन, पूरा शरीर ढीला, दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ ढीला, पूरा शरीर शिथिल। शवासन का अभ्यास पूरे शरीर को विश्रांति प्रदान करता है। जिन व्यक्तियों को स्लीप एपनिया की परेशानी है, उनको बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्रेथ को कंट्रोल करें, नियमित रूप से वो प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। प्राणायाम के अभ्यासों के लिए अब धीरे से उठ के बैठ जाना है। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे नाड़ी शोधन का अभ्यास। पद्मासन की स्थिति ले लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की अवस्था में, आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लेंगे। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा धारण करें, बाईं ओर से लंबा गहरा श्वास भरें, दाहिने ओर से प्रश्वास करें, दाहिनी ओर से ही श्वास भरें और बाईं ओर से प्रश्वास करें। यह हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक आवृत्ति। इसी प्रकार से एक आवृत्ति और कर जाएं। परंतु जब आप घर पर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप कम से कम 5 मिनट तक अभ्यास अवश्य करें, या उससे अधिक भी कर सकते हैं। पूरा शरीर सहज रहे, उज्जयी प्राणायाम, गर्दन की मांसपेशियों का संकुचन करते हुए जब आप श्वास भरेंगे तो एक आवाज़, गहरी सी आवाज़ उत्पन्न हो आपके गर्दन वाले स्थान पर। प्रश्वास करें नाक से ही। ध्यान रहे कि इस अभ्यास में आपको मुंह खोलकर श्वास नहीं लेना है,
ये अभ्यास बहुत ही इफेक्टिव है आपके गर्दन की मांसपेशियों के लिए और बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के लिए। भ्रामरी प्राणायाम, षणमुखी मुद्रा धारण करें, अंगूठे से कान को बंद करें, पहली उंगलियों को आंख पर रखें, मध्यमा उंगली को अपने नाक पर रखें, परंतु नाक को पूरी तरह बंद नहीं करना है। रिंग फिंगर को आप रखेंगे अपर लिप के ऊपर और लास्ट फिंगर को आप रखेंगे लोअर लिप के ऊपर। नाक से लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के भांति गुंजन करें कुछ इस प्रकार से। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है स्लीप के पेशेंट्स के लिए, जिनको स्लीप डिप्रिवेशन रहता है, इनसोम्निया की परेशानी रहती है, बार बार रात को उठना होता है। तो उन बहुत आम तौर पर देखा जाता है कि यदि स्लीप प्रॉपर नहीं है, फुल ड्यूरेशन का नहीं है, आप 6 से 7 घंटे यदि नहीं सो रहे हैं तो मॉर्निंग में आप डेफिनेटली हेडेक के साथ उठेंगे। मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप बहुत ही फटीग फील करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे। तो स्लीप को प्रॉपर हाइजीन, जैसे हम बोलते हैं कि एक स्लीप हाइजीन भी होना चाहिए, शारीरिक रूप पर से तो होता ही है, परंतु आपको मेंटली भी हाइजीन को मेंटेन करना है और उसी के साथ साथ आप अपनी स्लीप हाइजीन को भी अवश्य मेंटेन करें। ओम जप, ओमकार का जप करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरें, ओमकार का जप 5 से 6 बार ओमकार का जप आप मानसिक रूप से करें, ध्यान ओम पर। ओम की आकृति आप अपने दोनों पहों के बीच देखें, मानसिक रूप से उस पर ध्यान दें। शांति पाठ, दोनों हाथों को वक्षस्थल के ऊपर रख लें नमस्कार मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरें, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, हथेलियों का स्पर्श आंखों पर शरीर पर लगाते हुए सहजता से आ जाएं वापस। जी जी सुनीला मैम, बहुत ही सुंदर ये प्रक्रियाएं और आपने बहुत सुंदरता से इनका विवरण किया, यही मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इन क्रियाओं को दर्शाने के लिए हमारी डेमोंस्ट्रेटर कोमल वत्स का भी।
मैम, इन इस विषय के बारे में एक प्रश्न मैं और जानना चाहूँगी। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पर हमने आज योग क्रियाएँ की, आपने बताया इन प्रक्रियाओं के दौरान कि ये जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं इनका उद्देश्य हमारी जो श्वास प्रक्रिया है, जो हमारी श्वास नली है, उसे शुद्ध रखना और अपने आप को सजग रखना, जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकें। ऐसे में क्या हम प्रिवेंशन प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम इस बीमारी से बचे ही रहें? जी, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्लीप एपनिया के क्या कारण हो सकते हैं। जिनका बीएमआई 30 से अधिक हो, उनमें बहुत आमतौर पे देखा जा सकता है कि जिनको ओबेसिटी की परेशानी रहती है, मोटापा बहुत अधिक है, मोटापा आपके पेट का हो या फिर गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में बहुत अधिक आदि आपको लग रहा है कि फैट एक्यूमुलेशन है, तो उसके कारण आपको ये परेशानी अवश्य आएगी। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपना वेट रिडक्शन पे ध्यान देना है, वेट हेल्दी वेट को आपको मेंटेन करना है। प्रॉपर आप स्लीप लीजिए 7 से 8 घंटे की, जितना भी आप सही रूप से लें। बीच बीच में यदि उठना हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत अधिक स्नोर आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर के कंसल्टेशन आपको ज़रूरी है। कंसल्टेशन की यदि हम बात करें तो देखिए, डॉक्टर को जब आप दिखाने, जनरली इंडिया में ऐसा होता है कि सारे उपचार हम घर पर कर लेते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब वो वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है, तभी हम डॉक्टर को दिखाते हैं, परंतु ऐसा ना करें। इट कुड बी फैटल, दिस कंडीशन कुड बी फैटल। आपका ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है शरीर में, तो ब्रेन डेड हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान देना है कि यदि ऐसी परेशानी किसी को हो रही है तो आप अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। और साथ ही साथ आप अल्टरनेटिव थेरेपीज ले सकते हैं, पोजिशनल थेरेपीज अवश्य आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीला मैम। आप हमारे साथ जुड़ी एम सीनियर रिसर्च फेलो हैं और इस प्रोग्राम योग शक्ति के माध्यम से आपने इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एनीमिया विषय पर हमें बहुत सुंदर जानकारी दी। श्रोताओं, दर्शकों, आप भी हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा आगे के सत्रों के लिए, क्योंकि आगे के सत्र भी इसी प्रकार ज्ञान से भरे हुए होंगे और बेशक वो रोचक भी होंगे। इस सत्र का भी आप पुनः प्रसारण रात्रि 8 से 8:45 तक देख सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप कभी भी इन योग क्रियाओं से जुड़ सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें लिखकर ज़रूर भेजें mdniy@yahoo.co.in पर। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आप किस विषय पर योग क्रियाएं देखना चाहते हैं। इसके अलावा एक आवश्यक सूचना जो कि NCERT की टेक्स्ट बुक्स के रिगार्डिंग है, शैक्षणिक स्तर 2023-2024 के लिए आप हमारे सेल्स काउंटर से अपनी बुक्स मंगवा सकते हैं। ये सेल्स काउंटर दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में हैं। आप ये सभी जानकारी अपनी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए भी देख रहे हैं। आप अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ncert.nic.in पर। इसके अलावा आप बुक्स के लिए ncertbooks.ncert.gov.in पर भी जा सकते हैं। इन बुक्स को डिलीवर करवाने के लिए आपसे कोई भी चार्ज, डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भी आप मंगवा सकते हैं, PDF वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं ई पाठशाला दीक्षा NCERT और मोबाइल ऐप के माध्यम से। इन सभी बुक्स के काउंटर से आप सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक सभी अवकाश के दिनों में भी संपर्क कर सकते हैं। यूं ही जुड़े रहें आगे के सत्रों के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।